करके टीम 16 एंट्री डालेगी। स्काउट बहुत ज्यादा क्लोज है जरूर वहां पे, ओके घोड़े लिख पाओ तो वहां पे नॉट डाउन करेंगे। यस दैट वाज अ ग्रेट, यू कैन से एक स्पॉटिंग लेवल देखने को मिला हम लोगों को स्काउट के द्वारा, बिकॉज लेफ्ट साइड में फाइट चल रही है, उसने देखा राइट साइड में प्लेयर है तो वहां पे भी नॉक करें एंड फिनिश देखते अब देखने को मिलेगा, बिकॉज यहां पे कार्नेट रिसॉल्व मैच चलाते नजर आ रहा है, कोई भी डीएमआर एक्शन नहीं है कोई भी। ओके ट्रोल डाउन, डीएमआर की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, शॉट कैन ही कनेक्ट वन, वासु को डैमेज देने की कोशिश बट थोड़ा सा स्प्रे लेफ्ट राइट होता हुआ हम लोगों को नजर आया, बट अभी स्काउट की भी एचपी ज्यादा कुछ है नहीं, बट लेफ्ट साइड में कौन सा प्लेयर है, यस स्काउट वापस से कोशिश कर रहे हैं कि एक और नॉक वहां पर निकाल लिया जाए, बट मॉर्टल वाइपर वो लोग डिफरेंट एक पोजीशन एंगल एक डिफरेंट लेने की कोशिश कर, टीम आई के नाम हो सके बट टीम तो यहाँ पे पुश करते हुए नजर आ रही है ज्यादा कुछ। ओके यहाँ पे मावी ने एक नॉकडाउन करा इस पावर को, हाइड्रा डेंजर भी वहां पर नॉकडाउन हो चुके, दे आर टेकिंग वन बाय वन, वाशु भी नॉट डाउन हो चुके, मॉर्टल टेक्स डाउन वन और वाइपर ने वहां पे आके एक फिनिश आखिरी में दिया। वाइपर के पास एक किलर, स्काउट के पास दो किलर, जोन के बाहर की बैठी टीम लोग 21 भी क्लोज इन करने की कोशिश कर, वाशु को वहां पे मीनवाइल मॉर्टल ने नॉट डाउन कर दिया, बट ये कार ब्लास्ट के साथ क्या एक और नॉट निकाल सकते हैं स्काउट, कार 98 निकाल ली गई वहां पे, केएसआर की 40% एचपी मात्र बची है, दलजीत को वहां पे स्पॉट डिफेंस कर पा रहे, दलजीत ओपन पे स्पॉटेड है, दलजीत वहां पे हाइड्रा ऋषभ का किल निकालते हुए गए, स्काउट के बहुत ही प्यारा चाटा वहां पे हेडशॉट कनेक्ट हुआ एचपी के राणा के सर पे जाके, बट ये फाइट इतनी आसान रहने नहीं वाले बाकी डिफिकल्ट बिकॉज हाई क्राउड एडवांटेज भी सोल के पास, बट बाद में इनको भी नीचे जाना पड़ेगा। मॉर्टल ने वहां पे मीनवाइल कार बर्न डाउन करके अपना एक वो किल जो था कंफर्म करा, मावी ने वहां पे दलजीत को निकाला, टीम सोल दे आर ऑन अ रोल राइट नाउ, 11 किल ऑलरेडी हो चुके इस वाले मैच में, टॉप मॉर्टल अभी भी ओपन से वो वाइड एक यू कैन से मार्कर का अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बट वहां पे मावी को लॉकडाउन करे, बहुत ही प्यारा पुश वहां पे देख रहा हूं मैं पुशर्स के द्वारा, कोई मौका मेरे ख्याल से यहां पे पुशर्स देना नहीं चाहिए, बट यहां पे स्काउट क्लोजिंग कर चुके हैं, ही डोंट वांट टू टेक दिस फाइट विद द टीम, ही वांट टू टेक दिस फाइट अलोन, स्काउट टेक्स डाउन वन, कैन इट वन वर्सेस थ्री, बट यहां पे स्काउट के रेटर प्लेयर था बट वो लॉकडाउन हो चुके हैं, क्या ये गलती थी यहां पे टीम से पहले जाने की, कुछ भी हो सकता था वहां पे, बट रेज के हाथ में ये फाइट आ सकती है, तीनों प्लेयर अभी भी जिंदा है, सोल के दो प्लेयर नॉकडाउन हो चुके हैं मावी और स्काउट, बट अब अंडर द टायर वहां पे अच्छी तरीके से बुलेट्स कलेक्ट करिए, मॉर्टल ने वहां पे ग्रेनेड डाला, रेज को वहां पे नॉकडाउन करा, दिस फाइट मेरी ख्याल से ये सोल के पास ही जाने वाली है, और कोई जगह मेरी ख्याल से बची भी नहीं इनके पास खेलने के लिए, अब दो तीन ग्रेनेड आएंगे एंड दैट विल बी अ जीजी फॉर दीस प्लेयर्स, बट यहां पे मोलोटोव एक और जरूर आया है, कुछ ज्यादा खुला नहीं, बट शॉक वेव He can do wonders भाई, यहाँ पे उसकी पोजिशनिंग नहीं पता है, अगर ऊपर सोल का एक और नॉकडाउन हो गया तो दिक्कत खड़ी हो सकती है वहां पे, पुशर्स हार नहीं मान रही, ये एक चीज अच्छी लग रही है, मॉर्टल यहाँ पे ऊपर में आके प्रोन डाउन हो चुका है, ये एक बहुत ही इंटेंस मैच जा चुका है, मॉर्टल लेफ्ट साइड से मूव कर रहा है, अब उनको पता है यहाँ पे रिवाइवल की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, दो प्लेयर एक प्लेयर एचपी है, तो वाली अब वापस आने वाले हैं ये फाइट लेने के लिए, ज्यादा मौका इनको देना नहीं चाहिए, बट सामने वाले एचपी बहुत ज्यादा, मॉर्टल को वन एचपी करके मॉर्टल नॉकडाउन हो चुके यहाँ पे, कितने प्लेयर बचा, वाइपर इज लास्ट में स्टैंडिंग, कैन ही डू वन वर्सेस थ्री, कैन ही डू वन वर्सेस थ्री, ज्यादा मौका यहाँ पे वाइपर को भी नहीं देना चाहेंगे, पुशर वाले बहुत ही प्यारी तरीके से पुशर देने वाली फाइट निकाली, मेरे को एक टाइम पे लगा था सोल के पास एरिया था बहुत ज्यादा खेलने, उन्होंने ट्रैक्टर के पीछे लेट लेट के ये पूरी फाइट निकाली, पुशर्स दीज गाइस हैव प्लेड भाई, जी जी टू पुशर्स गाइस, जी जी टू टीम सोल, दोनों टीम बहुत ही प्यारे